बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सब फैंस, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी अपने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार रहे होंगे, अपने रब को भी राज़ी कर रहे होंगे और अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और रब राज़ी होता ही ऐसे कि आप हकूकुल बात जो है वो पूरा करें। अपने तो माफ़ कर देगा लेकिन हकूकुल बात माफ़ नहीं होंगे। आज ही मैंने आपने मेरी नात सुनी और आपने उसको अप्रिशिएट भी किया, थैंक यू सो मच। मैंने जिनके लिए लिखी है बस दुआ ये है कि वो उसको अपनी बारगाह में कबूल करें। मैंने हम्द लिखी और अभी मैंने उसकी ट्यून नहीं बनाई, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं और आप मुझे बताएं कि मतलब क्या कमी है। कमी तो मतलब आप अल्लाह की शान में है तो कमी तो नहीं कह सकती, लेकिन आपको कैसी लग रही है और क्या मुझे इसको इसकी ट्यून बनवानी चाहिए और मुझे फिर पढ़नी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि आप मेरी बहनें हैं, आप मेरी सहेलियाँ हैं, आप मेरे भाई हैं, आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। मेरी इस जर्नी का और ये मेरा एक सफ़र है जिसमें मैं चाहती हूँ कि जब हम आखिरत में हम साथ हों, हम सब साथ हों, आप हम सब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती साथ हों और हम एक दूसरे को कहें कि हाँ मैं इसको जानती हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ। और अगर हम में से कोई कोई पीछे रह जाए तो हम उसको खींच के ले जाएं अपने साथ जन्नत में। चाहे आप मुझे खींच के ले जाएं, चाहे मैं आपको खींच के ले जाऊँ, चाहे हमें कोई खींच के ले जाए। सो यू नो दैट्स द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस विद यू। चलिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम्द बारी ताला, मैं खुद लिखी है। जब कुछ ना था बस तू था, जब कुछ न था बस तू था, अब तू है सिर्फ तू है। जब कुछ न था बस तू था, अब तू है सिर्फ तू है। दिखता नहीं पर फिर भी हर सू है, अब तू है सिर्फ तू है, एक तू है। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, बस तू है, सिर्फ तू है, एक तू है। मेरे ऐबों का पर्दा रखने वाला, मेरे ऐबों का पर्दा रखने वाला, बस तू है, सिर्फ तू है, एक तू है। मेरा दाता, मेरा मौला, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राजिक, मेरे अंदर मेरे बाहर, मेरे दिल में तू ही, जाहिर तू ही, सब कुछ मैं हूँ, कुछ मैं तो कुछ ना, सब कुछ तू ही। सूरज और चाँद, सूरज चाँद और तारे तेरी हस्ती से हैं सारे, सूरज चाँद और तारे तेरी हस्ती से हैं सारे। कोई तुझको जो पुकारे गम मिटते हैं सारे, यही तू है सिर्फ तू है, बस तू है, एक तू है। मेरा मुझ में कुछ ना, सब तू है, बस तू है, एक तू है, सिर्फ तू है। आई डोंट नो, अभी मैंने इतनी लिखी है, अभी मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, पता नहीं आपको मेरी वो फीलिंग समझ आई होंगी या नहीं आई होंगी। तो इसका मकसद जो फर्स्ट लाइन का है वो ये है कि जब कुछ ना था बस तू था, जब मतलब कुछ भी नहीं था सिर्फ अल्लाह ही था, अब तू है सिर्फ तू है का मतलब है, मतलब कि अब मेरे लिए स्पेशली, मतलब मेरे लिए अब सिर्फ तू है और सिर्फ तू है और बस तू है, एक तू है। आई डोंट वांट एनीबडी एल्स, आई जस्ट वांट यू वाला सिचुएशन। आई होप आई यू लाइक इट। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा वजन है या ठीक है, मतलब ठीक है, तो फिर मैं लिख लेती हूँ, सिर्फ लिख के डायरी में रख लेती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें मैं इस पर अभी अभी थोड़ा और लिखना है, इसको मुझे करना चाहिए, तो मैं इसकी इंशाल्लाह एक धुन बनवा के और इसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। जैसे मेरी बहुत पर्सनल सी चीज़ है और मैंने बड़ी मोहब्बत से और प्यार से आपके साथ शेयर की है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक जाते जाते लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें और जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें। मेरी बेटी कहती है आप कुछ नहीं कहती ऐसा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर माई वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें, ज़िंदगी रही थी, फिर बात होगी, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।